जन की सरकार है, अब कमी। अब श्री नीतीश मिश्रा अपने जवाब में उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है सरकार ने कहा, लेकिन 260 करोड़ की राशि बकाया है उन लोगों का जो मजदूरों को पैसा देना है। 260 करोड़ रुपया बकाया है। सरकार पहले स्पष्ट करे कि आखिर 260 करोड़ रुपया क्यों बकाया है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय भाई वीरेंद्र जी के प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया है महोदय कि मनरेगा के मजदूरों का कितने मजदूरी बकाया है महोदय, और भारत सरकार को हमने स्मारित किया है जो मनरेगा के मजदूरों के बकाए राशि है स्मारित किया है कि जल्द से जल्द मजदूरों के मजदूरी का भुगतान के लिए आप राशि भुमुक्त कीजिए महोदय। भारत सरकार जो मजदूरी है महोदय मनरेगा के मजदूरों का वो सीधे भारत सरकार से विमुक्त होती है महोदय। तो मैंने अनुरोध किया है, तीन पत्र भारत सरकार को लिखा है महोदय, हमको लगता है कि जल्द से जल्द पैसा रिलीज हो जाएगा और जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि 3/9/2021 से बकाया है पैसा और जब मैंने क्वेश्चन डाला उसके बाद से सरकार ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, तीन महीने हो गए, तीन महीने बाद ये पत्राचार कर रहे हैं, तो ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। ये अगर ये चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो ये जो 100 दिन काम मिलना था उनको पैसे का भुगतान हो, तो सरकार सजग रहती तो तीन महीने बैठती नहीं। इसलिए सरकार की यहां गलती है और तीन महीने तक वो पत्राचार नहीं किया, तीन महीने बाद पत्राचार करने का काम किया। इसलिए ये सरकार कब तक उनको पैसा बकाए पैसे का भुगतान कराएगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया है महोदय, और हमने कहा आपस में वार्तालाप न करें, हमने कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र मजदूरों के बकाए राशि का भुगतान किया जाएगा महोदय। हमने जो 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान किया 70% उसमें हमारी उपलब्धि है महोदय। तो जैसे ही भारत सरकार से मिलेगा पैसा, जो जानकारी मिली हमने बात भी किया है, हम समझते हैं कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा और मजदूरों का मजदूरी का भुगतान हो जाएगा। ठीक है महोदय, अब हो गया, कह रही है कि जल्द से जल्द भुगतान कराएगी। मजदूर मजदूरी करता है, शाम को भोजन करता है, कहां से करेगा? तीन महीने से वेतन उसको पैसा नहीं मिल पाया है और सरकार कहती है कि शीघ्रता शीघ्र हम करने का काम करेंगे। हुजूर, ये डबल इंजन की सरकार है, अब कमी। अब श्री नीतीश मिश्रा नहीं हुजूर, थोड़ा इस